यहाँ पे ये दूरबीन लगी हुई है जिससे आप देख सकते हैं यहाँ का कुछ व्यू। ये देख सकते हैं जी, ये उन्होंने यहाँ पे उस टाइम ये कुछ क्लिप्स को रिकॉर्ड करके टेलीविजन पे ये चला रहे हैं। और ये सारा ये देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रफाकत हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज ही मैं मौजूद हूँ अलेक्जेंड्रा पार्क में। नहायत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव जगह है ये। और इसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह अलेक्जेंड्रा पैलेस, तो वो बिल्डिंग भी आपको दिखाएंगे। तो प्लीज़ काइंडली एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं जी अलेक्जेंड्रा पैलेस की। बहुत खूबसूरत, और इसी तरह का एक उधर भी है। तो ये दरख्तों को उन्होंने काट के तो उसको खूबसूरती से बनाया हुआ, बड़ा अच्छा। देखें ये है जी पाम कोर्ट एंट्रेंस अलेक्जेंड्रा पैलेस। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है ये पैलेस, है बेसिकली महल है। तो अभी हम इंशाल्लाह जाएंगे जी इसमें और आपको दिखाएंगे। सॉरी मैं वॉक कर रहा हूँ, इसकी वजह से ना मेरा सांस फूल रहा है। तो ये देख सकते हैं जी बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। और ये इसके बाहर की जो रोड है, यहाँ पे ये बस स्टॉप है और यहाँ से दूसरी तरफ इसके पार्किंग है। तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से ये सीढ़ी बनी है तो हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। ये देखें जी पाम कोर्ट एंट्रेंस, वेलकम टू अलेक्जेंड्रा पैलेस। तो ये कुछ इस तरह से, काफी हाइट पे है ये। यहाँ से आप ये नीचे सारा व्यू देख सकते हैं यहाँ से। देखें यहाँ से सेंट्रल लंदन तक का भी आपको एरिया नजर आएगा। फैमिली वगैरह के साथ आने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह ये। अगर आप लंदन में आए तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें जी अलेक्जेंड्रा पैलेस। ये नॉर्थ लंदन में वाक़ है और इसका नाम रखा गया था जी प्रिंसेस थी डेनमार्क की, प्रिंसेस ऑफ डेनमार्क अलेक्जेंड्रा उसके नाम पे रखा गया था। और उसने फिर शादी की क्वीन विक्टोरिया के बेटे से, तो ये प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा के नाम से उस पे रखा गया इसका नाम। यहाँ पे ये दूरबीन लगी हुई है जिससे आप देख सकते हैं यहाँ का कुछ व्यू। तो इसमें मेरे ख्याल में ये 50p जो है ना, एक 50p डालते हैं और फिर आप यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो ये चलेगी।
ये कुछ इस तरह से है दूरबीन। अभी तो इसमें से कुछ नहीं नज़र आ रहा क्योंकि मेरे पास चेंज भी नहीं है, 50p नहीं है, वरना इसमें डालते तो देखते। तो ये इस तरह है जी, तो मैं दिखा सकता हूँ अगर, तो कुछ इस तरह से। बच्चों के लिए भी स्टैंड वगैरह है नीचे, जो छोटे बच्चे हैं तो वो इसको इजीली पहुंच सकते हैं। तो ये इसमें आप 50p डाल के तो आप देख सकते हैं जो है ना दूरबीन से काफ़ी दूर तक आपको यहाँ से नज़र आएगा। अभी ये देख सकते हैं, ये पब्लिक के लिए 1870 में खोला गया था। अभी यहाँ पे काफ़ी कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं और वेन्यू, तो लोग इसको बुक करते हैं पार्टीज़ वगैरह के लिए, बड़े हॉल वगैरह ना। तो फिर बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत जगह है। धूप जिस दिन हो, अगर अच्छा मौसम हो, तो यहाँ पे जो है ना आप बहुत इन्जॉय करेंगे। देखें जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया ये 150 इन्होंने लिखे लगाए हुए हैं से। ये अब इसके पीछे क्या स्टोरी है, 2023 ये मुझे नहीं पता, 1873 से 2023। मेरे ख्याल में 150 ऐसे ज़्यादा हो गया इसको पब्लिक के लिए खोले हुए। इसको पूरी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है। तो ये आप वीडियो को पॉज करके अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ट्रांसमीटर हॉल इसके ऊपर भी टीटा हुआ है, काफ़ी हाइट पे है ये। ये देख सकते हैं, ये BBC टावर, ये है जी BBC टावर रिसेप्शन। द वर्ल्ड फर्स्ट रेगुलर हाई डेफिनेशन टेलीविजन सर्विस। ये देखिए ज़ूम करते हैं, ये है जी BBC टावर। तो ये 1936 में इसको यहाँ पे BBC टावर यहाँ पे लगाया गया है, देख सकते हैं। और ये मुख्तलिफ हॉल जो है ना, ये थिएटर वगैरह के लिए और मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये है जी इसकी मेन एंट्रेंस अलेक्जेंड्रा पैलेस की, ये देख सकते हैं। ये ईस्ट कोर्ट है, अलेक्जेंड्रा पैलेस ईस्ट कोर्ट, ये दिखा सकता हूँ मैं आपको। इसमें थिएटर है, आइस ड्रिंक है, ईस्ट कोर्ट
कैफे मैन एरिना एंड फोनिक्स पब वगैरह ये इसके अंदर है। तो आइए चलते हैं जी अंदर, इसमें हम देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। जी मैं अंदर आ गया हूँ हॉल के, वो इस तरह से है जी, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। ये साइज पे थिएटर है और ये सामने बार है जो कि वो अभी बंद है मेरे ख्याल से। ये बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छी जगह है, अगर आप बच्चों वगैरह फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। काफ़ी बड़ा एरिया है, बैठने के लिए भी काफ़ी जगह है, तो ये देख सकते हैं आप। ये देखें जी, ये उस ज़माने की कैमरा वगैरह और दूरबीन, ये लगे हुए जी, टेलीविजन टावर। ये आप इसको भी वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ।1936 में इसको जो है ना ट्रांसमिशन इसकी शुरू की गई थी BBC की, यहाँ से यह दुनिया का पहला हाई डेफिनेशन टेलीविज़न सर्विस थी, दुनिया की सबसे पहली। ये देख सकते हैं जी, ये इन्होंने यहाँ पे उस टाइम ये कुछ क्लिप्स को रिकॉर्ड करके टेलीविज़न पे ये चला रहे हैं, और ये सारा ये देख सकते हैं। ये इसके ऊपर स्पीकर वगैरह भी लगा हुआ है, और ये इस साइड पे थिएटर है जो कि अभी बंद है, थिएटर क्लोज्ड। ये देख सकते हैं थिएटर क्लोज। यहाँ से कुछ ये है जी अंदर का, एक बार फिर से मैं आपको पूरा इसका दिखा देता हूँ। वो आइस स्केटिंग वगैरह का ये यहाँ से आप देख सकते हैं अंदर, तो इसके लिए टिकट एंट्री टिकट है, तो अगर आप जल्दी आएँ तो आप पहले ऑनलाइन बुक कर लें तो फिर आप यहाँ पे वो आइस स्केटिंग वगैरह अंदर कर सकते हैं। जी मैं अभी बाहर आ गया हूँ पैलेस से, अभी यहाँ से आपको सही व्यू नज़र आएगा। तो इस साइड पे हम देखते हैं जी, हम पे इस साइड पे क्या है, ये पौंड वगैरह बना हुआ है मेरे ख्याल से, पानी वगैरह है, तो चलो यहाँ पे इस साइड पे चलते हैं और देखते हैं इस साइड पे क्या है। वाह, इस साइड पे देख सकते हैं ये स्विंग वगैरह बच्चों के लिए, और ये है जी कुछ नहायत ही खूबसूरत व्यू यहाँ के, जो ये झील सी बनी हुई है। ये देखें आप बच्चे कुछ इसमें वो कश्तियों में बैठे हुए हैं, छोटी वो इन्होंने बतख की शक्ल की वो कश्तियों वगैरह बनाई हुई है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा ये देखें आप, ये यहाँ पे कुछ लोग बतखों को दाना वगैरह डाल रहे हैं, और काफ़ी बिजी है आज। अगर आप फैमिली के साथ बच्चों के साथ आते हैं तो यहाँ पे ये आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं।
बहुत ही खूबसूरत जगह है। एक कैफ़े है साइड पे, जो हर चीज़ आपको फूड वगैरह यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन वही है कि हलाल ऑप्शन नहीं होगा इसमें, आइसक्रीम वगैरह ड्रिंक्स वगैरह आप ले सकते हैं। तो ये है जी काफ़ी बड़ा ये पॉन्ड सा झील सी बनी हुई है, ये देख सकते हैं। यहाँ से आप बोट हायर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मिनिमम जो एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए। तो ये आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, 18 साल से ज़्यादा उम्र का बंदा ना कम से कम एक होगा तो इसको बोट हायर कर सकता है। यहाँ पे आप इस साइड पे चले तो ये आपको घना जंगल ही नज़र आएगा, ये देख सकते हैं आप। ये ऊपर लोग इस पर क्लाइंबिंग वगैरह भी कर रहे हैं, कुछ यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं इस साइड पे, ये देख सकते हैं। ये यहाँ से ये है, ये देखे ये सारा क्लाइंबिंग वगैरह का भी है, कितना ही खूबसूरत नज़ारा माशाल्लाह। दोनों साइड से दरख्त और पूरी रोड को उन्होंने ना कवर किया हुआ है, दरमियान से ये रोड है और दोनों साइड पे दरख्त है माशाल्लाह। जाना और खूबसूरती से इसको अच्छी तरह मैनेज किया हुआ है। अभी हिल है तो मेरी सांस भी फूल रही है, ऊपर जूं जूं जा रहा हूँ। ये देखें, ये वहाँ से अगर आपको मैं नीचे दिखाऊँ, वो वहाँ से मैं चल के ऊपर आ रहा हूँ। ये देखें जी, अभी एक्सरसाइज अच्छी खासी हो जाती है यहाँ पे आने से। देख सकते हैं जी कितनी हाइट पे है ये जगह, वो दूर से आपको बंदे वहाँ अगर आप देखें तो वो नज़र आ रहे हैं वहाँ से ऊपर आते हुए। वो सेंट्रल लंदन की इमारत आपको बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आएंगी ये, वो देख सकते हैं ये सारा सेंट्रल लंदन है जो आपको ये बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। ये सामने ये सारी ये वाली ये सारी सेंट्रल लंदन की बिल्डिंग है। चले जी अभी हमारा वापस जाने का टाइम आ गया है और बारिश भी शुरू होने वाली है, तो उम्मीद करता हूँ जी आज का ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।